हेलो व्यूअर, दिस इज प्रिया। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें एक स्टोरी बताई हुई है। एक लड़की होती है रेणुका, उसके अंकल उसके घर पे आते हैं 4 मंथ बाद, तो बहुत एक्साइटेड होती है उन्हें देख के। उसके अंकल जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, तो उसको बहुत सारी फोटोज दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन की, जहाँ जहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया होता है। तो जब वो फोटोज देखती है तो उसको मन में एक बहुत डाउट आता है। तो बोलती है कि अंकल, ये जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं हर जगह पर? तो उसके अंकल बोलते हैं, बेटा जहाँ पे जैसा रीजन होता है वहाँ पे वैसी वाइल्ड लाइफ होती है। तो आज इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कैसी वाइल्ड लाइफ होती है। ये कोई एड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। इसमें एक स्टोरी बताई है रेणुका की, और यहाँ पर एक आप ये फिगर भी देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग दिखाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं इनके। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अब लाइफ कैसी है अमेज़न बेसिन में, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लाई कहाँ पर करता है मैप में। तो आप मैप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो इक्वेटर है यानी कि जो 0 डिग्री है उसके आसपास में आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ के साइड में 10 डिग्री और साउथ के साइड में 10 डिग्री। देखिए यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यहाँ तक पूरे में फैला हुआ है ये अमेज़न बेसिन। अब रिवर माउथ होता है जहाँ पर एक रिवर दूसरी रिवर से मिले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जो रिवर है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स ओशन में मिल रही है, तो जो मिलने वाला पॉइंट है ना उसको बोलते हैं हम रिवर माउथ। अब यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ट्रिब्यूट्स होती है जैसे आपको दिख रहा है कि कहीं कहीं से रिवर आ रही है, आके फिर जाके ओशन में मिल रही है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर मिल रही है, जाके अमेज़न बेसिन में मिल रही है, पूरा अमेज़न बेसिन बना रहा है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट है यहाँ का, देखिए इसमें मैप में देखते जाएंगे हम अमेज़न बेसिन में कौन कौन से पार्ट आ रहा है कंट्री का। यहाँ पर हमारा आ रहा है, देखेंगे तो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और स्मॉल पार्ट वेनेजुएला का है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है कि नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पास। अब जहाँ जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, इक्वेटर कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, सिर्फ यही है जो इक्वेटर से पास हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक इसमें बॉक्स में एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है, डू यू नो में। अब यहाँ पर क्या बोला है कि स्पेनिश जब आए थे ना अमेज़न में, यहाँ पर जब आए थे साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पर ये अमेज़न रिवर के पास है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ औरतें जो हैं वो स्कर्ट पहनी हुई है ग्रासेस की, और उनके सर पे भी कुछ कुछ एक तरीके से बोलते हैं ना क्राउन टाइप है, लेकिन वो क्राउन किसका है, वो लकड़ी वगैरह का है, तो आदिवासी टाइप थे वो, लेकिन वो वुमेन्स थी, वुमेन वॉरियर थी, यानी कि वहाँ पे पहले वुमेन्स लड़ती थी, मैंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे जितने वुमेन्स होती थी, तो इससे हमें ये पता चलता है। तो उनका नाम जो था वो अमेज़न था, जो जितना भी ग्रुप था ट्राइब्स का उनका नाम क्या था, अमेज़न था, तो इसलिए यहाँ का जो बेसिन का नाम है वो अमेज़न पड़ा इस वजह से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, पूरे साल हमारा हॉट और वेट ही रहता है, और पूरे साल भर यहाँ पे बारिश होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड है तो यहाँ पर बारिश तो होगी अच्छे से। अब रेन अच्छे से होती रहती है तो यानी कि ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तो जैसे होता है आपने देखा होगा रेनफॉल के टाइम पर जब रेन आती है तो बहुत स्टिकी स्टिकर से लगता है, मतलब चिपचिपाहट लगती है, तो वो क्या है हमारी ह्यूमिडिटी है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है दिन में, और रात में तो चलो ठीक है थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो जाता है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं होता है, गर्मी तो रहती रहती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है हमारा रेन फॉरेस्ट कैसा रहता है यहाँ पर, यहाँ का रेन फॉरेस्ट देखेंगे तो रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा फौना, फौना मीन्स होता है एनिमल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में बताया, और फ्लोरा होता है हमारा जो पेड़ पौधे या फ्लावर्स
ये बहुत ज्यादा डेंस होता है यहाँ का फॉरेस्ट। अगर आप इस फॉरेस्ट में चले गए ना अंदर, तो आपको सन नजर नहीं आएगा, मतलब इतना ज्यादा घना होता है ये फॉरेस्ट, क्योंकि पूरे साल भर बारिश हो रही है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ऑब्वियस ही बात है को ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देगी, वहां पे पूरा सन भी दिखाई नहीं देता, इतना ज्यादा थिक होता है, इतनी ज्यादा थिक इसकी लीव्स होती है। और अब देखिए यहाँ पर बर्ड्स कौन कौन से मिलते हैं, बर्ड्स जो होते हैं यहाँ पर, वो इसमें नाम लिखा हुआ है ब्रिलियंटली कलर्ड प्लमेज, यानी कि प्लमेज जो कलरफुल कलर वाले जो बर्ड्स होते हैं, और जो उनकी जिनकी ओवरसाइज्ड बिल्स होती है, बिल्स इसका मतलब चोच, चोच जिसकी देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि टोकेंस ये वाला जो बर्ड है इसकी चोच भी कितनी लंबी है, तो यहाँ पर इसमें फिगर में दिखाया भी हुआ है। और जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से मिलते हैं यहाँ पर, मॉन्की, स्लॉथ, आंट ईटिंग टैपर्स यहाँ पर, और देखो और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, एनाकोंडा भी देखो इस वाले फॉरेस्ट में मिलता है, अगर आपको एनाकोंडा देखना है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट और कौन कौन से मिलते हैं, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ऐसे ऐसे काफी सारी स्पीसीज मिलती हैं, और सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेज, बहुत सारी फिशेज की भी स्पीसीज है, जैसे कि पिराना फिश। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, अब देखिए यहाँ पर ये जो डू यू नो में लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिलेट्स। ब्रोमिलेट्स क्या होते हैं, ब्रोमिलेट्स एक स्पेशल प्लांट होता है जो अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखता है। अब जो वाटर स्टोर करके रख रहा है ना, वो किसके काम आ रहा है, वो एनिमल्स के काम आ रहा है, कौन से एनिमल्स के, फ्रॉग्स के। फ्रॉग्स क्या करते हैं, जब एग्स ले करते हैं तो वो फ्रॉग्स उस पानी को यूज करते हैं। यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं, अब भैया फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट की तरह ही रहेंगे, मतलब कि जो उनका घर वगैरह होगा वो वुड वगैरह का बना होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में वुड मिलता है इजिली, तो वो अपना घर वुड से बना लेते हैं और एकदम आदिवासियों की तरह रहते हैं। और खाना कौन, स्टेपल फूड कौन सा होता है, मतलब जो इंपॉर्टेंट फूड होता है, जो डेली में जैसे हम वीट वगैरह खाते हैं, हम तो गेहूं वगैरह आटा वगैरह खाते हैं, तो वहां पर जो स्टेपल फूड होता है, जो मेन फूड होता है, वो कौन सा होता है, मैनियोक, उसको हम कसावा भी बोलते हैं, पोटैटो जैसा होता है वो। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, और ये और भी कुछ खाते हैं, जैसे कि दे ऑल्सो ईट क्वीन आंट्स और एग्स, एग्स ठीक है, ये सब भी खाते हैं ये। और जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप मतलब जो कि बेचने के लिए कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, कॉफ़ी, मेज़, कोका, ये सारे जो है कैश क्रॉप, ये बेचने के लिए यूज़ करते हैं। और इनका जो घर बना होता है वो एक तरीके से थैचिस, मतलब कि घास फूस का बना हुआ होता है घर। और जो लार्ज अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर भी होते हैं, वो उसको उनको बोलते हैं ये लोग मलोका। स्टीपली सेलेंटिंग रूफ होती है, स्टीपली सेलेंटिंग रूफ मीन्स जैसे कि आपने हर्ट देखा होगा, जैसे हर्ट बनाते हैं हम ड्राइंग में, तो हर्ट टाइप में होता है। हर्ट टाइप में क्यों होता है, क्योंकि जैसे पानी आया, बारिश आई, तो वो इजिली पानी चले जाए, भरे ना छत के ऊपर, तो इस वजह से ये ऐसे वाले रूफ बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि जो यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह था, अब धीरे धीरे करके फॉरेस्ट खत्म होता जा रहा है 1970 के बाद से। अब 1970 के बाद से क्यों खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर ये पूरा फॉरेस्ट था, इसमें देखो दिखाया भी कितने अच्छे से फिगर में, यहाँ पर ये पूरा फॉरेस्ट था, लोगों ने कट कर करके इसको अपना एग्रीकल्चर वाला पार्ट बना लिया, एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ कर लिया। अब एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ करने के बाद अपना घर वगैरह बना लिया, तो फॉरेस्ट धीरे धीरे करके कम होता चला गया, मतलब डिस्ट्रक्ट हो गया, धीरे धीरे करके ख़त्म होता चला गया है। और देखो और इन लोग यहाँ पर लोगों ने क्या और भी काफ़ी सारे प्रोसेस अपनाया, जैसे स्लैश एंड बर्न देखो इसमें डू यू नो में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है स्लैश एंड बर्न। इसमें स्लैश एंड बर्न क्या होता है, जैसे कि हमने क्या करा, हमें कल्टीवेशन करना है, तो हमने उसके लिए पूरे लैंड को जला दिया, तो अब वो राख बन गया पूरा लैंड, पूरे जो ट्रीज वगैरह होंगे लैंड को जब हमने जलाया, तो वहाँ पे जो ट्रीज होंगे वो पूरे राख बन गए, तो वो एकदम ब्लैक एशेज होगी, तो वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो वो बहुत फर्टाइल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। अब वो बहुत फर्टाइल है, तो उससे और ज़्यादा अच्छे से क्रॉप ग्रो होगी, तो ये ऐसे ही करते हैं। फिर वो क्रॉप ग्रो करने के बाद 5 to 10 years तक अच्छे से करते हैं, फिर वो सॉइल धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाती है, तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते हैं। दूसरी जगह शिफ्ट करके फार्मर्स उस जगह को फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से वो जो सॉइल है वो दोबारा से ठीक होने लग जाती है, दोबारा से रिगेन कर लेती है अपनी फर्टिलिटी, फिर दोबारा से वो वहाँ पर आते हैं, अच्छे से क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं, और फिर दोबारा से पूरे पेड़ वगैरह को जला देते हैं, जितने भी लैंड पे जितने भी ट्रीज होते हैं उनको जला देते हैं, फिर दोबारा से वहाँ पे ग्रो करते हैं। ऐसे स्लैश एंड बर्न प्रोसेस रिपीट होता जाता है दोबारा। तो इसमें इसी प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि ये फार्मिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अमेजन बेसिन पे।
नेक्स्ट है हमारा लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर गंगा के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं और जो ब्रह्मपुत्र के जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो दोनों मिलके बना रही है बेसिन। तो ये हम डायग्राम में देखेंगे। देखिए इस मैप में देखते हैं ये वाला पार्ट, ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों की ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। अब ये दोनों मिल रही हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बोलेंगे। और ये कहाँ पर लाई करता है, 10 degree north to 30 degree north सब ट्रॉपिकल रीजन है ये। अब देखें तो अगर गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है, वो है यहाँ पर घाघरा, सोन, चंबल, गंदक, कोसी, ये सारी हैं। देखो ब्लू ब्लू लाइन से जो अलग डिफरेंट डिफरेंट साइड से आ रही है ना रिवर्स, इनके नाम बताए गए हैं। और सारी कहाँ पे जाके मिल रही हैं, ये गंगा रिवर में मिल रही हैं। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है जो गंगा में आके मिल रही हैं। अब जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र का देखो यहाँ पर है ये लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र रिवर्स, तो यहाँ पे आके इसकी ट्रिब्यूटरीज और गंगा की ट्रिब्यूटरीज दोनों की मिक्स हो रही है। अब जहाँ पे सारी मिक्स हो रही है वहां पर क्या बन रहा है हमारा, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। यहाँ पे हिमालय भी है, यहाँ पे प्लेन्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पे रिवर भी अच्छी खासी है, पानी भी अच्छा खासा है, तो यानी कि एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छे से होगा। यहाँ पे ऑक्सबो लेक भी बन रहा है, तो बहुत फिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छे से होगी। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून क्लाइमेट है, और जो रेन आती है वो आती है मिड जून से मिड सेप्टेम्बर तक आती है यहाँ पे रेन। और जो समर्स होती है बहुत ज़्यादा हॉट रहती हैं और विंटर्स बहुत कूल कूल रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। अब यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है यानी कि ज़मीन कैसी है, जो देखा जाए तो यहाँ पर माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया पे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं माउंटेन वाले एरिया पे, प्लेन वाले एरिया पे ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेन वाले एरिया पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है, सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, सॉइल फर्टाइल होगी तो क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होगी, मतलब राइस वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है। और भी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स है जैसे कि वीट, मेज, सॉर्गम, ग्राम, मिलेट्स, ये भी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं। अब और कैश क्रॉप भी ग्रो होती हैं जो कि बेचने के लिए मार्केट पर्पस के लिए, जैसे कि शुगर कैन, जूट, ये सारे भी यहाँ पे ग्रो होती हैं। तो ये कौन कौन सा एरिया यहाँ पर पड़ता है देखा जाए तो इसके आसपास, गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास का एरिया है वेस्ट बंगाल एंड असम, जहाँ पे टी बहुत अच्छी होती है। टी वेस्ट बंगाल असम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। और सिल्क कहाँ पे होता है, यहाँ पे बिहार में और असम में होता है। और देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन में ना ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज भी ग्रो होते हैं, जैसे कि टीक, साल, पीपल, ये सारे भी यहाँ पर अच्छे से ग्रो होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत कूल कूल रहता है, और जो स्लोप्स वगैरह होते हैं बहुत स्टीप होते हैं, यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी अच्छे से यहाँ पर होता है, जैसे कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज रहते हैं जो कि हिमालय पर मिलते हैं हमें, माउंटेन एरिया पर मिलते हैं कॉनिफेरस ट्रीज, जैसे कि पाइन हो गया, ड्योडर हो गया, फिर हो गया, तो ये सारे भी ट्रीज यहाँ पर के माउंटेन पर मिलते हैं, इसके आसपास जो माउंटेन है। डू यू नो में बताया हुआ है कि टेरेस किसे बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं जैसे कि माउंटेन एरिया पे हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है तो हम उसको एज अ जैसे ना स्टेयर्स टाइप में कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, जैसे स्टेयर्स लग रही है आपको, सीढ़ियों जैसा लग रहा है यहाँ पे देखो। तो क्यों करते हैं ये स्टेयर्स ऐसे 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 लाइन लाइन में क्रॉप क्यों ग्रो करते हैं, जैसे कि अगर ये वाटर पानी डालेंगे तो जल्दी से फ्लो ना हो जाए, अगर वो ऊपर से पानी डालेंगे तो जल्दी से नीचे आ जाएगा, और अगर स्टेयर्स होगा स्टेयर्स जैसे करेंगे तो ये धीरे 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 करके पानी नीचे तक आएगा, तो सारी क्रॉप को भी मिलेगा और एग्रीकल्चर भी अच्छे से होगी। तो इस टाइप इसलिए ये टेरेस फार्मिंग का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एनिमल कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ पे एनिमल है वन हॉर्न राइनोसोरस ब्रह्मपुत्र में मिलता है, और डेल्टा एरिया जहाँ पर डेल्टा एरिया है वहाँ पर मिलता है बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, ये सारे होते हैं फाउंड। और जो रिवर में मिलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, और भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जैसे कि रोहू, कतला, ये सारी फिशेज है, हिल्सा फिश भी यहीं पे मिलती है। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनकी जो मेन फूड होता है वो होता है फिश और राइस। आपने सुना भी हो कि वेस्ट बंगाल और इस साइड में फिश और राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है, स्टोरी में लिखा हुआ है कि एक विनोद है फिशरमैन, वो अपने विलेज में रहता है बिहार में, वो लेकिन बहुत खुश रहता है, देखता है ना जब वो अपने और फ्रेंड्स को जैसे कि रविंदर, किशोर, राजीव, इन सबको देखता है तो उनके कंपैरिजन में बहुत खुश रहता है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे ऑक्सबो लेक होती है, ऑक्सबो लेक में फिशेस बहुत अच्छे से होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस लेक में बहुत सारे वीड्स यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो फिशेस को आराम से फूड के लिए मिल जाते हैं, तो उसे फूड भी नहीं डालना पड़ता है फिशेस को, तो अच्छे से फिशेस भी हो रही होती है, तो उन्हें वो बेच के और अपना
काम भी चला पाता है और जो आसपास का एरिया होता है रिवर के आसपास का, जो लेक के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे वो क्रॉप भी ग्रो करता है, यानी कि वो डबल डबल कमाई कर रहा है। एक तो यहाँ पे क्रॉप भी ग्रो कर रहा है, ऊपर से फिश भी बेच रहा है, देखो दोनों हो रहा है ना। क्रॉप भी कौन कौन सी ग्रो करता है, वो पैडी, मेज, पल्सेस। तो यहाँ पर इसको किसी भी चीज़ की बर्डन नहीं लेना पड़ रहा है, इजीली हो पा रहा है इसका सब कुछ, और मार्केट में भी ये सब चीज़ें अच्छे से बेच पा रहा है। तो ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वहाँ के आसपास बहुत सारे टाउन्स भी हैं और बहुत सारी सिटीज़ भी है, जैसे कि सिटीज़ अलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सारी सिटीज़ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। और जो हमारी कोलकाता है, कोलकाता में जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली के पास, तो ये कोलकाता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम रिवर के पर्पज़ से देखें तो, पोर्ट के पर्पज़ से देखें तो। ये जो हमारा बेसिन है ये टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल किसके पास में है, यमुना रिवर के पास में है आगरा में, और ऐसे ही जो गंगा है और यमुना जहाँ पर मिल रही है तो वो कहाँ पे दिखाई देती है हमें, वो अलाहाबाद में दिखाई देती है कि वहाँ पे वो जो दोनों रिवर्स हैं वो मिल रही हैं। तो और ऐसे ही जो असम है, काजीरंगा है, वहाँ पे भी काफ़ी सेंचुरीज बनाई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, किसके लिए, एनिमल्स को सेव करने के लिए। और अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में भी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे हर स्टेट में ना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज वगैरह, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।